और सबसे इम्पोर्टेंट जो नेगेटिव पॉइंट मैंने फील किया है इस कार में, एंड वो सिर्फ पर्टिकुलर इस कार में नहीं है, वो टाटा की कुछ और कार्स में भी है, वो है इसका इंजन तो काफ़ी इम्प्रूव हुआ है, वो वाइब्रेशन अब नहीं है कार में, वो साउंड भी आपको नहीं दिखेगा, बट हाँ थोड़ा बहुत साउंड, थोड़ी बहुत वाइब्रेशन थ्री सिलेंडर इंजन का नेचर है, बट अगर आप कंपेयर करोगे अभी से तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ गया है। बट हाँ जहाँ आपको लगेगा आपको थोड़ी ज़्यादा पावर की आप डिमांड करते हो कार से, तो शायद ये आपको उतनी पावर नहीं दे पाएगी, तो इस कार की सेल्स पे भी ये बहुत अच्छा इफेक्ट डालेगा अगर इसमें टर्बो इंजन का ऑप्शन आता है तो, एंड लोग डेफिनेटली जाएंगे इसके टर्बो इंजन वेरियंट की तरफ। वेलकम टू रियल कार फैक्ट्स, एंड कैसे आप सब लोग। तो गाइज जैसे लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया इस कार के कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स, आज मैं डिस्कस करूंगा आपसे इस कार के कुछ नेगेटिव पॉइंट्स, बिकॉज हर कार में कमियां होती है, इस कार में भी कुछ कमियां हैं, एंड आज सारी वो कमियां मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा ताकि आपकी हेल्प हो सके अगर आपकी भी कोई क्वेरीज है इस कार से रिलेटेड। सो गाइज विदाउट एनी फर्दर डिले सीधे जाते हैं टॉपिक पे, एंड मैं बताता हूँ आपको जो इसके नेगेटिव पॉइंट्स मुझे लगते हैं। अगर आप भी मेरी बात से एग्री करते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो लेट्स डिस्कस नेगेटिव पॉइंट्स ऑफ दिस कार। सो गाइस फर्स्ट और सबसे इम्पोर्टेंट जो नेगेटिव पॉइंट मैंने फील किया है इस कार में, एंड वो सिर्फ पर्टिकुलर इस कार में नहीं है, वो टाटा की कुछ और कार्स में भी है, वो है इसका गेयरबॉक्स। इसका गेयरबॉक्स कहीं कहीं बार आपको फील होगा कि इसका गेयर्स जो है वो अटकते हैं बीच में, एंड ये गियर बॉक्स ना इतना स्मूथ नहीं है अगर मैं बात करूं जितना कुछ ब्रांड्स और हैं कंपटीशन में वो ऑफर करते हैं, उतना स्मूथ गियर बॉक्स इसका नहीं है, और आपको फील होगा कि आपके गियर्स कई बार गियर शिफ्ट करते समय अटकते हैं, तो गियर शिफ्टिंग इतनी स्मूथ नहीं है। अगर आप एग्री करते हो मेरे पॉइंट से तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, ये मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने देखा है, मेरा जो मैंने इस कार को चलाया है, जो मैंने और ब्रांड्स जो इसके और ब्रांड्स को चलाया है उसके साथ अगर मैं कंपेयर करूं तो इतना स्मूथ गियर बॉक्स इस कार में नहीं है, तो गियर बॉक्स इसका एक नेगेटिव पॉइंट है, एंड मेरे हिसाब से काफ़ी मेजर नेगेटिव पॉइंट है ये इसका गियर बॉक्स थोड़ा सा और कंपनी को स्मूथ बनाना चाहिए, बिकॉज ये गियर बॉक्स में इशू है, एंड स्पेशली इस टाटा पंच में नहीं और टाटा की और कार्स में भी गियर बॉक्स को लेके थोड़ा सा इशू है, गियर शिफ्टिंग इतनी स्मूथ नहीं है। अगर आप कोई और ब्रांड ओन करते हो या आपने कोई और ब्रांड चलाया होगा तो आप वो डिफरेंस फील कर सकते हैं। सेकेंड नेगेटिव पॉइंट्स जो मैं बताना चाहूँगा इस कार में वो है फिट एंड फिनिश का, एंड फिट एंड फिनिश का ऐसा पॉइंट है जो आप इस कार को जब आप देखोगे ढंग से तो आपको फील हो जाएगा वो फिट एंड फिनिश का जो इशू है इस कार में। कई कई जगह आपको पैनल गैप्स दिखेंगे जो थोड़े ज़्यादा हैं, कंपनी आई थिंक ये एक मैन्युफैक्चरिंग ही है, अगर आप इसको मैन्युफैक्चरिंग लेवल में ठीक कर सकते हो तो ये हो सकता है, कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है, एंड टाटा को इस बात में ध्यान देना चाहिए, फिट एंड फिनिश का थोड़ा सा इशू है तो एंड मुझे लगता है कि जैसे टाटा को अगर कंपटीशन मार्केट में अगर देखे और कंपेयर करें तो टाटा को इसमें काम करना चाहिए और थोड़ा सा अपना फिट एंड फिनिश का जो इशू है कार में उसको रिजॉल्व करना चाहिए, बिकॉज कोई नहीं चाहता यार कि पे करने के बाद उनको उनके प्रोडक्ट में थोड़ा फिट एंड फिनिश का इशू मिले, तो ये फिट एंड फिनिश का इशू मुझे लगता है इस कार में नेगेटिव पॉइंट है। नेक्स्ट नेगेटिव पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो वो है इस कार की हैंड ब्रेक मेरे को इतनी इफेक्टिव नहीं लगती है, ऑल्दो ब्रेक्स वगैरह ठीक है बट हैंड ब्रेक पे स्पेशली ये इशू आता है। मैं जैसे मैंने आपको पहले वीडियोस में और कई बार पहले ही बता चुका हूँ कि मेरी मैंने इस कार को जितना ड्राइव किया है उसमें मेजॉरिटी ऑफ रन जो है वो हिली एरियाज पे है, तो और हिली एरियाज पे स्पेसिफिकली मुझे ये फील हुआ कि हैंड ब्रेक इस कार की इतनी इफेक्टिव नहीं है। इस कार का वेट रेशियो भी बहुत ज़्यादा है तो अगर कंपेयर करूँ उस वेट के साथ इसकी हैंड ब्रेक उतनी इफेक्टिव फील नहीं होती है, एंड कई बार जब आप हैंड ब्रेक अप्लाई करते हो तो आपको लगेगा कि आपकी कार पीछे जा रही है एंड हैंड ब्रेक ढंग से अप्लाई नहीं हो रही है या उतनी इफेक्टिव नहीं हो रही है, तो ये एक इशू है एंड आई गेस कंपनी को इसमें काम करना चाहिए, बिकॉज ऐसी सिचुएशंस पे अगर आप हिल्स पे चला रहे हो तो ये काफ़ी कभी कभी काफ़ी डेंजरस हो सकता है, तो हैंड ब्रेक मुझे लगता है इस कार का एक नेगेटिव पॉइंट है, और अगर आप इसको हिल्स पे चला रहे हो तो आपको स्पेसिफिकली ध्यान देना चाहिए, अगर आप हैंड ब्रेक अप्लाई करके चला रहे हो तो थोड़ा सा और कॉन्शियस रहो, बिकॉज हैंड ब्रेक इतना इफेक्टिव नहीं है इस कार का। अगर आप भी ये कार ओन करते हो और आप भी इसको हिली एरियाज पे चलाते हो तो आप मुझे बता सकते हो कमेंट में कि आपको क्या लगता है कि इसका
हैंड ब्रेक कितना इफेक्टिव है। गाइस नेक्स्ट नेगेटिव पॉइंट की बात करूंगा वो है उसको मैं नेगेटिव पॉइंट भी नहीं रखूंगा बट हाँ एक स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट है उस जगह पे, वो है इसका इंजन। मुझे लगता है इसके इंजन में और इम्प्रूवमेंट आ सकती है। इट्स अ थ्री सिलेंडर इंजन, मुझे पता है यार कि थोड़ा नॉइज एंड वाइब्रेशन रहता है थ्री सिलेंडर में इंजन। आप एक थ्री सिलेंडर इंजन को फोर सिलेंडर इंजन के साथ कंपेयर नहीं कर सकते बिकॉज थ्री सिलेंडर में आपको वो नॉइज और वो वाइब्रेशन मिलेगा ही मिलेगा। ऑल्दो अब जो इसका नया फेस टू कंप्लायंट आया उसमें ये काफी हद तक कम हो चुका है, तो जो लोग आप प्लान कर रहे हैं कार लेने का उनको बहुत हद तक कम मिलेगा। अगर आप देखोगे जो नया फेस टू कंप्लायंट आ रहा है उसमें जो NVS लेवल है कार का वो भी डाउन हो गया है। मैंने इस बारे में वीडियो भी बनाई है एंड वो अपने चैनल में चेकआउट कर सकते हो। तो अगर मैं नया फेस टू से कंपेयर करूं इसका इंजन तो काफी इम्प्रूव हुआ है, वो वाइब्रेशन अब नहीं है कार में, वो साउंड भी आपको नहीं दिखेगा। बट हाँ थोड़ा बहुत साउंड थोड़ी बहुत वाइब्रेशन थ्री सिलेंडर इंजन का नेचर है, बट अगर आप कंपेयर करोगे अभी से तो बहुत ज्यादा डिफरेंस आ गया है और वो नहीं रहा है। एंड एक और चीज जो मैं बताना चाहूंगा आपको, ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि आप की रिक्वायरमेंट क्या है कार से एंड आपकी किस तरह की ड्राइविंग हैबिट है। मैं पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ ये बात, अगर आप चाहते हो आपको एक फन टू ड्राइव कार चाहिए तो ये इंजन आपको वो फन टू ड्राइव एलिमेंट नहीं दे पाएगा। बिकॉज मैं अपना एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ गाइस, अगर आपने भी चलाई हो कार हो तो आप ये मुझे इस बात से एग्री करोगे, अगर आप एक फन टू ड्राइव कार चाहते हो तो आपको वो कार नहीं मिलेगा। बट अगर हाँ आप एक डिसेंट ड्राइवर हो, मतलब लाइक नॉर्मल स्पीड में चलाते हो, आप ज़्यादा एक्सेलरेट नहीं करते कार को, तो आई डोंट थिंक सो आपको इसके इंजन से कोई कंप्लेंट आएगी। बट हाँ जहाँ आपको लगेगा आपको थोड़ी ज़्यादा पावर की आप डिमांड करते हो कार से तो शायद ये आपको उतनी पावर नहीं दे पाएगी। तो एक ये पॉइंट मुझे लगता है कि इसमें कंपनी को या तो इसका 1.2 से ज़्यादा का इंजन इसमें आना चाहिए या फिर इसमें एक टर्बो का ऑप्शन भी होना चाहिए। तो ये एक पॉइंट है जो मुझे फील होता है इस कार को लेके। इसको मैं नेगेटिव या पॉजिटिव किस कैटेगरी में लूँ ये मुझे समझ नहीं आ रहा। ये मतलब एक स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट है, अगर कंपनी चाहे तो इसके इंजन में टर्बो ऑप्शन हमें दे सकती है जो काफी बेनिफिशियल रहेगा और इस कार के लिए पर्टिकुलर, बिकॉज जितनी अच्छी कार है इस सेगमेंट के मैं बात करूं तो इस कार की सेल्स पे भी ये बहुत अच्छा इफेक्ट डालेगा अगर इसमें टर्बो इंजन का ऑप्शन आता है तो, एंड लोग डेफिनेटली जाएंगे इसके टर्बो इंजन वेरिएंट की तरफ। सो गाइस अभी तक के जितना भी मैंने इस कार को चलाया उसमें मुझे कुछ यही नेगेटिव इसके पॉइंट्स लगे। अगर मैं कुछ मिस कर रहा हूँ इसके नेगेटिव पॉइंट्स तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अगर आप मुझे लगेगा कि वो नेगेटिव पॉइंट्स हैं तो मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगा। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही, प्लीज अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक टू दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। अगर आप नए हो हमारे चैनल में और पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हो तो गाइस थैंक यू सो मच एंड कीप सपोर्टिंग अस। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।